किसी ने मुझे ये कमेंट करा था कि ये सरसों है, सरसों अलग होता है और राई अलग होता है। अभी हम दोनों आ गए टहलने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और आज मैं बना रही हूँ अपनी भिटोली। भिटोली क्या होता है, जितने मैं वीडियो बनाऊँ ना दरवाजा चुआ चुआ कर देना। जैसे वीडियो बनाती हूँ वैसे दरवाजा खोल देते फिर आवाज़ आती है। तो आज मैं बना रही हूँ अपनी भिटोली, और भिटोली क्या होता है थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। मम्मी लोग आने वाले थे बट वही किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम, और मैं भी जाने वाली थी। मैंने सोचा कि चलो एक दिन मैं होके आऊँगी, तो फिर मेरी भी कुछ प्रॉब्लम और चाची लोग भी नहीं आए। थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है इस बार, चाची लोगों के भी अपनी प्रॉब्लम, क्या किसकी क्या प्रॉब्लम है फिर कभी शेयर करूँगी। तो फिर मैं ही चले जाऊँगी कभी मम्मी लोगों से मिलने भी, चाची लोगों से मिलने भी। और फिर मम्मी लोगों ने तो भेज दिया है भिटोली, चाची के वहाँ से मैं ही लेके आ जाऊँगी। तो भिटोली क्या होता है, तो अभी जाती हूँ किचन में, दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी करी है मैंने, और भिटोली क्या होता है वो काम के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें मैंने गूंथ के रखा है आटा। ये सारी तैयारी ना मैंने पहले कर दी थी क्योंकि फिर टाइम लग जाता है और आटा भी ज़्यादा गूंदना था। ये मैंने सूजी साफ़ करके रखी है और इसमें मैंने छोले बनाए हैं, और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें बनाऊंगी पूरी। पूरी ना बहुत ज़्यादा बनानी होती है क्योंकि अपने आस पड़ोस सभी जगह बांटनी होती है। और भिटोली क्या होती है ना कि हमारे यहाँ पे जो ये महीने होते हैं, हमारे हिंदी महीने होते हैं, चैत का महीना और अप्रैल मई का महीना, ये होता है कि इसमें हमारे यहाँ पे पुराने टाइम से ये परंपरा चले आ रही है कि लड़की को कुछ कपड़े और ये पूरी और हलवा वगैरह दिया जाता है इस महीने में, और जो फिर पूरी मायके से बन के आती है तो वो फिर पूरे गांव में और अपने परिवार में बांटी जाती है। बट आजकल तो टाइम बहुत चेंज हो गया है, ज़्यादातर लोग पैसे ही भेज देते हैं या मतलब फिर घर पे ही बना लेते हैं। तो मैंने भी इस बार मम्मी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा कि मम्मी आप लोग पैसे भेज दो मैं बना लूँगी। और वैसे भी मेरा मायका थोड़ा सा दूर है, पहले दूर था खैर अब तो नज़दीक ही है, तो ज़्यादातर मम्मी लोग मेरे लिए पैसे ही भेजते थे देते थे और मैं ऐसे ही पूरियाँ बना के घर पर फिर सबको बांट देती थी, और जो भी मुझे पसंद आता था, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती थी वो मैं ले लेती थी। तो यहाँ पे ना मैं साथ साथ में सूजी भी बना लूँगी, और यहाँ पे मेरी पूरियाँ बनके हो गई है रेडी, और इसमें बनाया है मैंने हलवा। तो ये सब कुछ तैयार करके मैं सबको बांट दूंगी गांव में। तो यही हमारी एक परंपरा है कि लड़की को, जो शादी की हुई लड़की होती है, उसको ये सब कुछ पूरी और कुछ कपड़े इस महीने में अप्रैल मई का जो महीना होता है उसमें दिया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं तैयार कर दूंगी, और मैंने किसी अपने एक जेठ की बेटी को बुला लिया था और फिर उसने ये सब कुछ बांट दिया था। पूरी बना दी है मैंने और तैयार भी कर दी है, दो दो पूरी सब जगह ऐसे। अभी ना वो एक जेठ की बेटी है उनको, उसको बुला रखा है मैंने कि थोड़ी सा बांट दे गांव में, पूरे गांव में बांट दे करके, वो आएगी तो उसको दे दूंगी, वो चले जाएंगे सबको देने के लिए, एंड अपने परिवार में यहाँ पे मैं चले जाऊंगी। यह है भिटोली बांटने वाले मेरे, चलो जाओ। Thank you.
टोली बनाई, उसके बाद शाम के टाइम पे कीर्तन में गई। अभी हम दोनों आ गए टहलने के लिए। आज एक दीदी नहीं है क्योंकि वो गई है अपने ननद को भिटोली देने के लिए। घूम के आई, खेत देखने के लिए आ गई मैं। अपना कोहली जी भी खेत देखने के लिए आए हैं। क्या ना करने है भाई? ये हमारा धनिया भी, इसमें बीज लगने लग गया धनिये में, और लहसुन बड़ा अच्छा हुआ है हमारा। बारिश की वजह से ना, जिस दिन मैंने परसों व्लॉग बनाया था गुड़ाई वाला, उसके दूसरे दिन फिर बारिश हुई। पूरे रात पूरे दिन बारिश हुई, पूरा खेत अजीब सा हो गया। जो ये राई है ये भी पूरी काटनी हो जाएगी एक दो दिन में। किसी ने मुझे कमेंट करा था कि ये सरसों है, सरसों अलग होता है और राई अलग होता है। एक कमेंट आया था मुझे कि ये सरसों है, सरसों पीली होती है और राई ब्राउन ब्राउन होती है, तो ये राई है। मैं लकड़ी लगा देते हैं, ये पूरे पेड़ नीचे गिर रहे हैं। टमाटर लगे हैं और पूरे पेड़ नीचे गिर रहे हैं। दो क्यारी प्याज की और गुड़ाई करनी है, एक ये और एक ये। ये मैंने आधी क्यारी करी थी तो फिर उस दिन, उसके दूसरे दिन फिर बारिश आ गई थी। उगल ले जाऊं क्या? इस वाली क्यारी में ना हमने भिंडी और जो हरी सब्जी होती है, चौलाई बोलते हैं उसको, उसका बीज डाला था तो अच्छी खासी जम रही थी। बट ओले और बारिश के वजह से इतना पूरा ख़राब हो गया। जब हल्की हल्की बारिश होती है वो तो सब्जी के लिए अच्छी होती है, बट तेज़ बारिश और ओले तो से तो बहुत नुकसान होता है। और ये पालक है ये भी ओले के वजह से पूरा ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे उगल हो रहा था जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था, तो थोड़ा सा घर के लिए ले जाऊंगी ये सब्जी। हरी सब्जी तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए, और फिर अपने घर की नेचुरल सब्जी है तो थोड़ा सा ये सब्जी ले जाऊंगी घर को। अभी आई हूँ छत पे, और आजकल का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और इसके बाद मई के बाद तो हमारे यहाँ पे रहने लायक नहीं होता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और आजकल सच में बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। मैं टहल के आई, उसके बाद दूध लेके आई, थोड़ी बहुत किचन का काम किया और टाइम बचा था। आजकल अंधेरा देर में होता है तो मैंने कहा थोड़ी देर छत में चले जाती हूँ। कोहली जी भी आए थे छत में, मैं भी आई थी। बस यही है, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।